हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। गेहूं और चावल का मिक्स रोटियां इस तरह से बनाएगा तो एकदम फूली फूली और बहुत ही नरम मुलायम रोटियां बनेगी। गेहूं और चावल के फूली और नरम रोटियां बनाने के लिए 1 किलो अच्छा साफ किया हुआ गेहूं ले लेगा। ये राशन वाला गेहूं है। 1 किलो अच्छे से साफ किया हुआ राशन पे मिलने वाला जाड़ा चावल ले गए। अब इसमें हम आधी छोटा चम्मच मेथी दाना डालकर अच्छे से मिक्स कर लेगा और चक्की पर बारीक आटा पिसवा के लाएगा। आटा पिसवा के लाने के बाद आटे को हमने छान लेना है। ये जो भूसा निकला है, अगर हम नहीं छानेगा तो रोटियां नरम नहीं बनेगी। इस भूसा का वजह से रोटियां दिन भर नरम नहीं रहेगा। थोड़ा सा छाना हुआ आटा को प्लेट में निकल कर साइड में रख लेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। हमें टाइट आटा गूंदना है। ढक के 10 मिनट आराम करने देना है। 10 मिनट के बाद आटे को अच्छे से सॉफ्ट करके आटा का हिस्सा लेकर अच्छे से गोल पेड़ा बनाकर इस तरह सूखा आटा लगाकर रोटी की अच्छे से गोल बेल लेगा। रोटी हमारा बनके तैयार है। आप एक साथ सब रोटियां बनाकर भी सेक सकते हो। अब इसे सेकने के लिए तवा को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। रोटी की तवा पे डालकर फुल गैस पे एक साइड से थोड़ा गर्म होने के बाद रोटी की पलट लेगा। अब इसे अच्छे से घुमाते हुए एक साइड से पूरा सेक लेगा। अब इसे दोबारा पलटकर गैस लो कर देगा। आप देख सकते हो रोटी अच्छे से फूल चुका है। रोटी पूरा तरह से सेकने के बाद तवा से निकाल देगा। ये रोटी पूरा दिन भर और अगला दिन भी एकदम इसी तरह नरम रहते। गेहूं और चावल से फूली और नरम रोटियां बनके तैयार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।